एक वो जमाना था जब समाज धर्म और विज्ञान के नाम पर बता हुआ था। आज भले ही विज्ञान की तरक्की हो गई है, लेकिन उस दौर में धर्म का पगड़ा ही भारी था। विज्ञान ये नहीं कहता कि धर्म का हर पहलू अंधविश्वास होता है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हुए जो विज्ञान को ही भगवान मानकर अपना काम करते रहे, क्योंकि इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि विज्ञान सुनी सुनाई बातों को इजाजत कभी नहीं देता। लेकिन केपलर वो आदमी था जो काम तो वैज्ञानिकों वाला ही करता था, पर अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक मानता था, क्योंकि इसे लगता है कि जब ये आसमान को देख रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वो भगवान की कारीगरी को समझने की बस कोशिश कर रहा है। एक तरफ ये धर्म की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ बाइबल के खिलाफ जाकर कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रलिज्म को बढ़ावा देता है। इसलिए लोगों को शक होता है कि आखिर ये किसके तरफ है। जोहान्स केपलर ये वो आदमी है जिसका पैर तो जमीन पर ही रहता था पर दिमाग हमेशा आसमान छूता था। जिस जमाने में लोग जादू टोने की बातें करते थे, तब ये भाई साहब बैठकर ग्रहों की साल नाप रहा होता। फिर भी अगर आप इनका तारीफ पूछेंगे तो ये अपने आप को हमेशा एक धार्मिक ही कहेगा। इसलिए ये कहता है कि इस बात पर कोई शक नहीं कि इस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है। लेकिन देखिए ना, भगवान ने इसे ऐसे सजाया है मानो गणित का कोई जादूगर अपने कोई मुश्किल इक्वेशन सजा रहा हो। तो क्या भगवान एक मैथमेटिशियन है? केपलर कहता है कि मुझे नहीं पता, पर उन्होंने इन सारे ग्रहों को ऐसे घुमाया है जैसे मानो वो किसी गणित के फॉर्मूले में आसानी से फिट हो जाए। अब बचपन में ही एस्ट्रोनॉमी से केपलर का पहचान हो चुका था, और इस पहचान के बाद इसमें इनकी ऐसी दिलचस्पी जागी कि सारी जिंदगी वो इसके पीछे पड़े रहे। बचपन की बात है, किसी उसी जगह पर ले जाकर उसकी माँ ने उसे टूटते हुए तारे दिखाया था। बाद में पता चला कि वो तो एक मीटियोरॉइड था, क्योंकि तारा कभी टूटता ही नहीं है। फिर उन्हें फिर से एक ऐसा चंद्र ग्रहण देखने का मौका मिला जिसमें पूरा शांत लाल हो गया था। फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते वक्त उसे अपने प्रोफेसर से ब्रह्मांड को लेकर कोपरनिकस के नजरिए के बारे में मालूम पड़ा, क्योंकि तब पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि हमारी दुनिया ही ब्रह्मांड का केंद्र है, बाकी सब तो बस हमारा चक्कर लगा रहा है। लेकिन कोपरनिकस ठहरे हेलियोसेंट्रलिज्म को बढ़ावा देने वाले सबसे बड़े पॉलीमैथ। पता नहीं कैसे, पर वो कहता है कि सूरज ही सबका बॉस है जो अपने चारों तरफ हम जैसे नमूनों को घुमा रहे हैं। अब केपलर ये बात सुनकर शॉक था, क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल बाइबल के खिलाफ जाता था, और केपलर खुश भी था क्योंकि ये थ्योरी बहुत आसान था सब कुछ समझने के लिए। बेकार में ही धरती को इतना घुमाने की क्या जरूरत है। फिर केपलर ने अपना वो पहला किताब लिखा मिस्टीरियम कॉस्मोग्राफिकम, जिसमें उन्होंने कोपरनिकस के थ्योरी की जमकर तारीफ की। सच तो यह है कि केपलर वो आदमी है जो धर्म और विज्ञान के सही गलत के उलझन में फंस गया था। केपलर मानता है कि ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है, जिसे ऐसे सजाया गया है जिसमें गणित के खास नियम लागू हो रहे हैं। लेकिन उस जमाने के धर्म के प्रसारकों को यह सब समझ में नहीं आ रहा था। केपलर की मां दवाइयां बेचती थी तो लोग उन्हें जादू टोना करने वाले मानते थे, इसलिए केपलर का काफी वक्त उनके बसाव करने में बीत गए। शायद केपलर रोज धर्म और विज्ञान के ताने बाने सहन कर करके पागल हो चुके थे, तो उन्होंने संगीत में अपना हाथ आजमाया। जी हाँ, संगीत, पर यह कोई गिटार तबला वाला संगीत नहीं बल्कि ग्रहों की साल वाला संगीत है। म्यूजिका यूनिवर्सलिस यानी म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स एक पुरानी फिलोसॉफिकल थ्योरी है। इमेजिन कीजिए प्लैनेट्स एक बैंड बजा रहे हैं। क्या होगा अगर मंगल ड्रमर है, शुक्र गिटार बजा रहा है और पृथ्वी गा रही है? मतलब ये सब अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हुए एक शानदार कॉस्मिक म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, और केपलर, पाइथागोरस और एरिस्टोटल इस म्यूजिक को सुनने वाले वो श्रोता थे जिन्हें लगता है कि सूरज, शांत और ये सारे ग्रह अपने अपने मोशन से एक तरह की संगीत बनाते हैं जो उनकी स्पीड और डिस्टेंस से तय होता है। केपलर एक छोटे से गांव का लड़का जो तारे, ग्रहों के पीछे पागल था। उधर टाइगो ब्रहे अपने जमाने का जाने माने एस्ट्रोनॉमर थे, ये भी तारे सितारों के दीवाने थे। उन्होंने 30 सालों तक एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन किया, जिसमें उन्होंने ग्रहों की पोजीशंस और मोमेंट का जानकारी इकट्ठा किया। लेकिन उन्हें किसी जीनियस की जरूरत थी जो इस डेटा को समझ सके, तो ये दोनों एक दूसरे को मिले। लेकिन टाइगो जियोसेंट्रिक मॉडल को मानता था और केपलर हेलियोसेंट्रलिज्म को। शुरुआत में टाइगो ने केपलर को अपने काम में शामिल नहीं होने दिया। इनका डेटा को शेयर ना करने की आदत की वजह से दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ। फिर भी इनकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, दोनों एक दूसरे के काम को समझे, और टाइगो ने केपलर को मार्स की ऑर्बिट पर काम करने का मौका दिया, जिससे केपलर ने पता लगाया कि मार्स का ऑर्बिट एकदम सर्कुलर नहीं है।
फिर टाइको के मरने के बाद केपलर को उनके डाटा का पूरा एक्सेस मिल जाता है। इनके मदद से केपलर ने कोपरनिकन मॉडल में काफ़ी सुधार किया। जैसे कोपरनिकस मानता था कि प्लैनेट्स की ऑर्बिट सर्कुलर होता है, लेकिन ये कोपरनिकस की ऑब्जर्वेशनल डाटा से मैच नहीं हो रहे थे। टाइको का डेटा इस्तेमाल करके केपलर ने बताया कि प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। कोपरनिकस का मॉडल प्लैनेट्स की यूनिफॉर्म स्पीड को एज्यूम करता था, जबकि केपलर ने दिखाया कि प्लैनेट्स जब सूरज के करीब आता है तब वो तेजी से घूमते हैं और दूर जाते वक्त इनका स्पीड धीमा हो जाता है। केपलर फिर से उलझन में था क्योंकि ग्रहों का ऐसा साल ढाल उनके रिलीजियस मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा था।